किसान भाइयों, हर साल सरकार MSP के माध्यम से बीज की खरीदारी कराती है, जैसे कि तिल, मूंग, उड़द और मूंगफली आदि। वैसे पिछले साल सरकार ने MSP के माध्यम से तिल 7,830 रुपए के भाव से खरीदे थे। तिल कम समय, कम खर्च और कम सिंचाई में होने वाली फसल है। और हाँ, हर साल तिल का मार्केट में दाम भी अच्छा मिलता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि तिल की खेती में कम खर्च से ज्यादा मुनाफा कैसे कमाएं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं रुचिता पटेल हमारे YouTube चैनल महाकाल एग्रो में आपका स्वागत करती हूँ। किसान भाइयों, तिल की फसल एक तिलहनी फसल है। तिल की खेती अगर आप जायद और खरीफ के मौसम में करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने खेत की तैयारी अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको खेत की हल्की सी सिंचाई और जुताई करके खेत को समतल करना है और बुवाई के पहले बैसल डोज में आपको 50 किलोग्राम DAP प्लस 25 किलोग्राम यूरिया गोल्ड प्लस 6 से 10 किलोग्राम सल्फर दे सकते हैं। सल्फर तिलहनी फसल के लिए सबसे फायदेमंद खाद है और इसका इस्तेमाल तिलहनी फसलों के लिए ज्यादा जरूरी होता है। आपको सल्फर के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमारा अमोनियम सल्फेट खाद का वीडियो लिंक में हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ पर क्लिक करके जरूर देखें। खाद देने के बाद खेत को रोटावेटर से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लें। उसके बाद आप बुवाई कर सकते हैं। बुवाई की बात करें तो ज्यादातर किसान भाई खरीफ के मौसम जून और जुलाई और जायद के मौसम फरवरी और मार्च महीने में तिल की खेती करते हैं, पर सबसे ज्यादा अनुकूल समय है जून महीने का अंतिम सप्ताह और मार्च महीने का पहला सप्ताह, क्योंकि इस समय गर्मी की शुरुआत होती है जिससे बीज का जर्मिनेशन अच्छे से होता है। अब बात करते हैं बुवाई के लिए बीज के चयन की। तो किसान भाइयों, आप बीज जो है आपके एरिया में सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली हाइब्रिड किस्मों का और यूनिवर्सिटी से प्रचलित किस्मों का भी चयन कर सकते हो। क्या आपके तिल की फसल में भी फाइलोडिंग यानी बंझा की समस्या आती है और आपको इसकी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो को आपके लिए लेकर आते रहें। अब बात करते हैं एक एकड़ में तिल के कितने बीज की आवश्यकता होगी। तिल की बुवाई ज्यादातर किसान भाई दो विधियों से करते हैं। जैसे छिड़काव विधि से बुवाई करते हैं तो आपको 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होगी, और अगर आप सीड ड्रिल मशीन से बुवाई करते हैं तो 500 से 1 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी। अगर आप सीड ड्रिल मशीन से बुवाई करते हैं तो लाइन से लाइन 60 सेंटीमीटर की दूरी और पौधों से पौधों की 15 से 20 सेंटीमीटर दूरी रखनी चाहिए। कई किसान भाई घर के बीज का भी इस्तेमाल करते हैं तो बीज को उपचारित करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज को उपचार करने के लिए आप कार्बेंडिज्म 12% प्लस मैनकोजेब 63% का 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर के हिसाब से उपचारित करना चाहिए। अब बात करते हैं खरपतवार की रोकथाम। तिल की फसल में खरपतवार की वजह से उत्पादन कम हो सकता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के तुरंत बाद पेंडीमेथिलीन 30% EC का 1 लीटर प्रति एकड़ का स्प्रे कर सकते हो, पर ध्यान रखें कि स्प्रे करते समय जमीन में नमी जरूर होनी चाहिए। और अब बात करते हैं सिंचाई के बारे में। गर्मी का मौसम होगा तो 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी पड़ती है और सिंचाई मिट्टी की नमी पर निर्भर करती है। यदि हल्की मिट्टी है तो ज्यादा सिंचाई करनी पड़ती है और भारी मिट्टी है तो कम सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। तिल में फ्लावरिंग और फली यानी दाने बनने की अवस्था पे सिंचाई करना आवश्यक है। तिल की फसल में बुवाई के समय खाद देने के बाद आपको 30 से 40 दिन की फसल में दूसरा खाद अमोनियम सल्फेट 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। किसान भाइयों, अमोनियम सल्फेट में सल्फर आता है और तिलहनी फसलों में सल्फेट कितना महत्वपूर्ण है वो आपको पता ही होगा। आपको तिल की फसल में कौन से रोग और कीट की समस्या आती है हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम अगला वीडियो उस टॉपिक पे बना सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी साबित होगी। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी ये वीडियो द्वारा जानकारी मिल सके। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। धन्यवाद। ऐसी सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें
और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको इस वीडियो में दिखाई गई माहिती में कोई समस्या हो या फिर आपकी खेती में कोई परेशानी हो तो आप हमें स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिखकर समस्या बताएं, जिससे हमारी टीम आपको संपर्क करेगी और आपकी समस्या का समाधान देगी। और हम प्रयास करेंगे कि हमारा अगला वीडियो आपकी समस्या पर हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।